सो गाइस, तो कैसे आप लोग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दानिश वीडियो एडिटर। तो आज हम बात करने वाले 10th क्लास के उर्दू के बारे में। कहते हैं ना कि जिस तरह जिंदगी जीने के लिए बेहतर भोजन की आवश्यकता होती है, उस तरह मुस्लिम बच्चों के बेहतर रिजल्ट के लिए ये तो दरअसल उर्दू पढ़ना ही पड़ेगा भैया। ये 10th क्लास का उर्दू है जो कि हमारे मुस्लिम बच्चे बहुत ही ज्यादा दूर भागते उर्दू पढ़ने से, और आपका 90+ नंबर उर्दू से उठेगा। ये है दरअसल उर्दू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 3rd चैप्टर अफसाना के सैयद मोहम्मद मोहसिन, जो उनका अफसाना फरार, जिनका राइटर है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो आज हम फरार स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये उर्दू, इससे लगभग 95% आप नंबर उठा सकते हैं, और ज्यादातर मुस्लिम बच्चा इसे छोड़कर ही भागना चाहते हैं। तो डरने की बात नहीं है, बेझिझक मैं हूं ना आप लोग के सामने, मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही आसानी के साथ। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के शुमार उर्दू के अफसाना निगारों में होता है। मतलब सैयद मोहम्मद मोहसिन बहुत से अफसाना निगार लिखे हुए हैं, और उसके बाद क्या है, वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अब बात फंस रहा है कि नफ्सियात क्या होता है। तो नफ्सियात साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, गांव के मोहल्ले के जो सामाजिक हालत है उसी को तो नफ्सियात या नफ्सियात बोलते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे, और नफ्सियात इनका खास मौजू था। नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और इनका खास मौजू वही था, मतलब साइकोलॉजी, जो हमारे गांव मोहल्ले में किसी घर में क्या घटना घट रहा है उसी के वो प्रोफेसर थे। इनका खास मौजू था। इनके अफसाने का एक मजमुआ है जो कि अनोखी मुस्कुराहट है। ये एक अफसाना लिखे हुए जो कि बहुत ही फेमस है, जिनका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। उर्दू दुनिया में काफी मकबूल मारूफ हो, इनके उर्दू दुनिया में काफी मकबूल हुए, काफी चर्चित रहे सैयद मोहम्मद मोहसिन। मजमू के बेशतर कहानियां नफ्सियाती नोयत की है, मतलब ज्यादातर कहानी नफ्सियात के मौजू पर ही लिखते हैं। कम से कम 10th क्लास के जो भैया उर्दू पढ़ रहे हैं ना, उनसे गुजारिश है कि एक लाइक ठोक दीजिए भैया। ये दानिश वीडियो एडिटर है, आपको इस चैनल पर बहुत ही सारे सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, उर्दू, नॉन हिंदी, ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा। नोयत की है, खास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाना की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। मतलब अनोखी मुस्कुराहट इतनी मशहूर अफसाना है कि इनके तारीफ के बगैर ये उर्दू की कहानी नामुकम्मल हो सकती, मतलब अधूरा हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछेगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। सवाल यहाँ पर है कि डॉक्टर मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। अब आपसे सवाल पूछेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था। तो जवाब में टिक लगाना है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सिमनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का एग्जाम कब और कहाँ से पास किए। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सिमनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए का इम्तिहान, और 1921 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया, और 1934 ईस्वी में नफ्सियात में पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। 1938 ईस्वी में वह पटना कॉलेज में साहबा फलसफा में अर्जी तौर पर लेक्चर बहाल हुए। फिर 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से साहबा नफ्सियात में मुस्तकबल तौर पर लेक्चर बहाल हुए। 1953 ईस्वी में वह साहबा नफ्सियात में सदर साहबा नफ्सियात मुकर्रर, और 1974 ईस्वी में वह अपनी मुलाजमत से शुभकदोष हो गए। 1974 ईस्वी में वह अपनी मुलाजमत से शुभकदोष हो गए। फिर उसके बाद इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट अफसाना का एक मजमुआ, नफ्सियाती ज्वाय, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ जख्म के फूल, इनका एक मजामीन है, मत मजमून है जिनका नाम है जख्म के फूल, जो कि आपसे मैट्रिक परीक्षा या एंट्रेंस परीक्षा में इनसे आपके सवाल आ सकते हैं। उसके बाद है कि इनके अलावा इनकी दूसरी किताब भी बहुत शाये हो चुकी है, किताबें भी शाये हो चुकी है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटियां और 4 बेटियां है। आपसे सवाल पूछेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के पास कितने बेटे और कितनी बेटियां है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के पास 3 बेटे और 4 बेटियां है।
आपने 1973 ईस्वी में अपनी आहिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किया। मतलब 1973 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी आहिया मतलब अपनी बीवी के साथ वो हज के दौरान चले गए और सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुए। अब आपसे सवाल पूछेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब और कहां, वफात का मतलब इंतकाल होता है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में दिल्ली में कॉलेज मतलब इलाज के सिलसिले में उनका इंतकाल हो गया 2002 ईस्वी में। अब इनका अफसाना है जो कि आप लोग को दिख रहा है, ये उर्दू दरअसल उर्दू 10th क्लास की, इससे डरने की कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ पे फरार, फरार का मतलब होता है भाग जाना, फरार भाग जाना। अब